चलिए, एक गाड़ी रुका है, पूछता कहाँ जा रहा है यार। लिफ्ट कहाँ रुक? ओके थैंक यू। तो देख सकते हो लिफ्ट मिल गया है। ओके हमारे भी पता है, हम उड़ीसा। उड़ीसा हाँ, मैं जा रहा हूँ मंगलूर। मंगलूर हाँ, मंगलूर शहर से जो कि लिफ्ट लेना थोड़ा आसान नहीं होता, लेकिन भाई रुक गए तो थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं। और आप विजय कुमार जुबाई, तो देख सकते हो दो भैया है मुझे देखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो केरला बहुत अच्छा गाँव है। हाँ बहुत अच्छा है, मतलब छोटा रोड है। हाँ गाड़ी चलाने का बड़ा दिक्कत होता है। हाँ आराम से चलिए। हाँ हाँ सर, पैदल चलते चलते 3 किलोमीटर आ चुका था और यहीं पे जो कि लिफ्ट के लिए ट्राई कर रहा था, भैया आ गए और लिफ्ट दे दिए। छोटा रास्ता है लेकिन रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे, जो कि लिफ्ट है। बड़ा गाड़ी कोई नहीं रुकता लेकिन यहाँ पे रुका मुझे लिफ्ट दे, थैंक यू भैया। इधर गए थे आप? इधर मैं आ रहा हूँ कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से केरला केरला से आगे जा रहा हूँ। तो देखिए भैया का मोबाइल में मैं सर्च कर रहा हूँ और सब्सक्राइब कर रहा हूँ, क्योंकि भैया बोल रहे कि मेरा भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हिच हाइकिंग मैन यूट्यूब चैनल मैन। हेलो बस आप पकड़ो। तो देख सकते हो यहाँ पे जितना ट्रैफिक है, तो उनके साथ भैया मजाक भी कर रहे हैं, उनके साथ सब्सक्राइब करने के लिए दिखा रहे हैं। ये सब्सक्राइब तो मजा आ रहा है भाई। तो ये छोटा वाला रास्ता है ना, 66 है, आगे शायद बड़ा होगा। तो लेकिन केरला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई। तो ये केरला जो हमारा इंडिया का ही फॉरेन कंट्री जैसा दिखता है, तो उनका घर का स्ट्रक्चर हो गया, रास्ता का स्ट्रक्चर हो गया, बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा है, बहुत स्वाभाविक है। बहुत दिमाग आता है इधर। हाय फ्रेंड्स, नम गाड़ियली ಒಬ್ಬ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಇರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ತರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಭಯ ಅಂತ ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೈತೆ ಇದೈತೆ ಆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ। तो देख सकते हो भैया स्टेटस भी डाल रहे हैं, जो कि यूट्यूबर उड़ीसा का यूट्यूबर प्रकाश के साथ साथ जा रहे हैं बोल के। तो उनके लैंग्वेज जो है तो अच्छा लग रहा है, कन्नड़ा लैंग्वेज। तो कलकत्ता, दिल्ली, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
आधा घंटा को एक, इसके बाद फिर से और एक बैटरी को निकाल कर अगर पंच में लगा देता हूँ और उसके बाद और वो भी निकाल लेता हूँ। अच्छा, हमारा चार्जिंग करने के लिए ये है, मेरा मोबाइल चार्ज में लगाया तो मैंने चार्जिंग कर लिया और अच्छा बिल्कुल जाने दिया उसको वीडियो जो ट्रक वाले भैया होते हैं ना वो लोग बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि बहुत बहुत दूर जाते हैं और लिफ्ट भी दे देते हैं और उनके साथ जाने का मजा अलग है।